हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तीर्थ प्रेमी भक्तों, नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। निःसंदेह हमारा देश रहस्यों और चमत्कारों का देश है, विशेषकर देवभूमि और तपोभूमि हिमाचल प्रदेश की तो बात ही निराली है। हिमाचल प्रदेश सिर्फ अपनी खूबसूरत वादियों और बर्फ से ढके पहाड़ों की वजह से ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ के हजारों हजार मंदिर भी तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जी हाँ, हिमालय में कई ऐसे खूबसूरत और रहस्यमय मंदिर हैं जो प्राचीन काल से यहाँ स्थापित हैं, लेकिन उनमें छुपे रहस्य आज के इस वैज्ञानिक युग में भी रहस्य ही हैं। आज हम आपको हिमाचल के एक ऐसे मंदिर की यात्रा दर्शन करवाने जा रहे हैं जिस पर सदियों से आकाशीय बिजली गिरती आ रही है, लेकिन मंदिर आज तक ज्यों का त्यों बना है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भक्तों, ये अविश्वसनीय अवश्य है, परंतु पूर्णतः सत्य है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित बिजली महादेव मंदिर की। इस मंदिर पर हर 12 साल में आकाशीय बिजली गिरती है, लेकिन इसके बाद भी हजारों वर्षों से ये मंदिर उसी दिव्यता और भव्यता से खड़ा है। भक्तों, बिजली महादेव के बारे में एक दंत कथा प्रचलित है। दंत कथा के अनुसार इस क्षेत्र पर कभी कुलांतक नामक एक भयंकर शक्तिशाली दैत्य ने कब्जा कर लिया था। विशाल अजगर के शरीर वाला यह दैत्य इस पूरे क्षेत्र को पानी में डुबा देना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने व्यास नदी के पानी को रोक दिया था। इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करने के लिए अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से कुलांतक का वध कर दिया। वध के पश्चात कुलांतक का विशाल शरीर एक पहाड़ में बदल गया और इस स्थान का नाम भी उसी दैत्य के नाम से अपभ्रंश के चलते कुल्लू हो गया। भक्तों, तब भगवान शिव ने ही देवराज इंद्र को आदेश दिया था कि वह इस दैत्य की देह पर हर 12 वर्ष में आकाशीय बिजली गिराए। तभी से प्रत्येक 12 वर्षों में यहां आकाशीय बिजली गिरती है, लेकिन इस बिजली से किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसीलिए भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहां स्थापित हो गए और इंद्र को अपने ऊपर ही बिजली गिराने के लिए आदेशित किया। तब से आज तक यह परंपरा चमत्कारिक रूप से बनी हुई है।